भारत कॉकिंग को लिमिटेड के सबसे बड़े अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजन ने चिकित्सकों व नर्सों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामले में मरीज की परिजनों ने बताया कि उनकी दादी दो दिनों से अस्पताल में इलाजरत थी, परंतु बार बार बुलाने के बावजूद भी न तो डॉक्टर आते थे और न ही नर्स। ऐसे में बुधवार गुरुवार की देर रात जब मरीज की हालत गंभीर हो गई तो नर्स को सूचना देने पर उसने मरीज के परिजनों को नसीहत देते हुए चीनी का घोल वगैरह पिलाने को बोलने लगी। परिजन का कहना है कि जब अस्पताल से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है तो वह भला चीनी का घोल कहां से लाएगी। परिजनों का यह भी कहना है कि बगैर इलाज के उनकी दादी का सुबह देहांत हो गया, जिसके लिए पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी अस्पताल के चिकित्सकों की है। उन्होंने चिकित्सा का नाम लेते हुए बताया कि मरीज की स्थिति गंभीर होने के बावजूद भी कोई भी देखने को तैयार नहीं था। मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई दूसरा मरीज की लापरवाही से मौत ना हो। वहीं मामले में अस्पताल के सीएमओ आरके ठाकुर ने संवाददाता को बताया कि अगर मरीज की मौत के मामले में अस्पताल कर्मी द्वारा लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर जांच की जाएगी और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मरीज का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, वह पिछले 2-3 महीनों से अस्पताल में इलाजरत थी। जब भी उनका शुगर कंट्रोल कर घर भेज दिया जाता था तो वह नियमित तौर पर दवा नहीं लेती थी, जिसकी वजह से शुगर लेवल फिर से बढ़ जाता था। क्या कुछ हुआ? रात को खराब हुआ, लेकिन सिस्टरों को बुला रहे थे, बुलाई बस शुगर लेवल नाप के फिर D5 चढ़ाई, उसके बाद फिर ऑक्सीजन भी लगाने बोले, कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरी दादी को। किसको बुला रहा? सिस्टर लोग को बुला रहे थे, नर्स लोग को? सिस्टर को। नर्स को? हाँ, नर्स। क्या बोली नर्स? नर्स बोली ऐसे होता है, चीनी तो घोल के, तो ग्लूकोज तो घोल के चीनी हम कहाँ से रात को लाते हैं। मेरे चाचा बाहर में, तो उनको भी कोई नहीं बुलाने दिया, बोला नहीं ठीक है। उसके बाद किसी तरह सोई, कोई नहीं देख लिया, 5 बजे फिर हम उठे, देख रहे पूरा फेन निकलने लगा मेरी दादी का। हम गए उनके बुलाने के लिए तो वो जल्दी आ भी नहीं, उस टाइम मेरी दादी का सांस चल रहा था, लेकिन कोई नहीं आया उठाने के लिए मेरी दादी को कि हाँ हम आए देखे, किसी को ऑक्सीजन लगाते लगाते खत्म हो गई। वो नर्स तक छू के भी नहीं देखी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? नर्स और डॉक्टर, यहाँ का पूरा घर, सब पूरा पुरुष जो है ना, सबके साथ वैसे ही। अभी यहाँ जब हल्ला हुआ तो पूरा बेड वगैरह चेंज हुआ, बेडशीट नहीं तो पेशेंट के साथ ना किसी को रहने दिया जाता है, ना किसी को बोलने दिया जाता है, ना डॉक्टर तक छू के नहीं देखती है यहाँ के। अब आक्षी मैडम बोल रही है कि बार बार यहाँ पे लाया जा रहा है, इस प्रॉब्लम है तो ये है तो वो है, सिर्फ हम लोग को ये बताया जाता है। रेफर तक 1 महीना से हम लोग है, सीसीएम में थी, लेकिन नहीं रेफर किया जा रहा है और ना ही छोड़ रही है ये लोग। अब बोल रही है इस प्रॉब्लम है, बार बार आ जाती है, बेड प्राइवेट यहाँ करवा दे तुम लोग का, ऐसे ऐसे डॉक्टर सब बोल रही है, खासकर बागसी मैडम। बागसी मैडम कौन है? पता नहीं, बागसी पता है, डॉक्टर है वो कल आई थी और परसों हम लोग रात में एडमिट हुए हैं और कल FM1 में थे, वहां से हम लोग को यहाँ भेजा गया, ना कोई डॉक्टर आया। बोला जा रहा है 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, बस इतना बोला जा रहा, कोई डॉक्टर देखा नहीं। क्या नाम हुआ? कोई भी नहीं। कुसुम। क्या नाम हुआ? कुसुम। के परिजनों द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा कि डॉक्टर के लापरवाही से उनकी मौत हुई। नहीं, डॉक्टर के लापरवाही से मौत का सवाल नहीं है। अगर आरोप लगाया जा रहा है तो हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन जहां तक हम देखे हैं, हमारी जानकारी है, हम सब पता किए हैं, तो पेशेंट पुराना है, 2 महीना से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, 2 महीना में अधिकतर दिन अस्पताल में ही भर्ती रहे हैं और इनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता था। यहाँ से जब कंट्रोल करके हम लोग भेजते थे तो घर में ठीक से दवा नहीं लेने का कारण, या पेशेंट का ट्रीटमेंट कम्प्लायंस नहीं होने के कारण हमेशा उनका शुगर लेवल घट जाता था या कभी बढ़ जाता था, फिर बार बार यहाँ के भर्ती होती थी, यही सिस्टम चल रहा था। कल वो हाइपोग्लाइसेमिया, उनके द्वारा कहना है सर कि 1 बजे तबियत सीरियस हुआ, उसके बुलाने के बावजूद भी नर्स नहीं आए, बोले हमने सुने तो डिस्टर्ब हो रहा हमें। नहीं नहीं, तो ये पेशेंट का कहना है, इसका तो जांच हमको करना होगा ना, कि जो बोल रही है आरोप, अगल बगल के मरीजों से हमको पता करना होगा कि उनके माने आरोप में कहां तक है। डॉक्टर आके देखे हैं, कल शाम में भी उनका शुगर किया गया था, RNM-238 था, हाइपोग्लाइसेमिक अटैक पहले भी हुआ है, तो उनको 25% ग्लूकोज भी चढ़ाया गया है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्या हाइपोग्लाइसेमिक अटैक चलते हुआ या क्या हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन अगर नेग्लिजेंस हुआ है अगर हमारे पार्ट में, तो उसकी हम जांच करेंगे और जो भी दोषी आदमी हो उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर नेग्लिजेंस हुआ, अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे चैनल। हम तो यहाँ के CMO इंचार्ज हैं अस्पताल के,
हेड ऑफ दी बेस इंस्टीट्यूशन सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद, ठीक है। और हम लोग पेशेंट के इलाज के लिए रहते हैं, अगर गलती हुई है तो पहले तो हम पेशेंट के अगर जो हैं उनके तरफ से भी क्षमा चाहते हैं कि अगर हमारे तरफ से इलाज में अगर कमी हुई है तो ये तो हम ऐसे ही करते हैं, अगर हुई है तो इसकी भी जांच करेंगे हम, शीघ्र करेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। किसी भी पेशेंट का जान जाता है तो हम लोग बहुत अफसोस होता है, अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो उसका हम कार्रवाई करेंगे आगे से, अगर ऐसे कोशिश करेंगे कि आगे से किसी गलती ना हो, अगर गलती हुई होगी तब, ठीक है।